दोस्तों इतनी खुशी तो राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद भरत से मिलने पर नहीं होती जितनी आजकल के लोगों को अपने स्मार्टफोन की बैटरी 100% देखकर होती है। तो दोस्तों मैं अमन सिंह टेक्निकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हमारा आज का एजेंडा है कि आप अपनी स्मार्टफोन की बैटरी के लाइफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए जो पहला तरीका उभर कर आता है वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन को ऑटो ब्राइटनेस में ना रखें। अब दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से दोस्तों ये होता है कि लेट सपोज कि आप किसी अंधेरी जगह से, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा घना अंधेरा पड़ा है, अब वहाँ से आप किसी उजाले में जाते हैं या फिर आप किसी उजाले से अंधेरे में आते हो, तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिकली चीज़ें तो कन्वीनियंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कन्वीनियंट फील होगा कि हाँ बहुत सी चीज़ें आसानी से चेंज हो जा रही है, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ होता है कि लेट सपोज कि आप बाहर से अगर अंदर, यानी कि आप किसी उजाले से अंधेरे में एकदम आ रहे हो, तो वहाँ पे होता क्या है दोस्तों, वहाँ पे जो आपका स्मार्ट जो आपका ब्राइटनेस है वो कम तो होता है, बट हो सकता है दोस्तों कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा और कम ब्राइटनेस की जरूरत हो, बट वहाँ पे उस चीज़ को उतना ऑप्टिमाइज ना किया गया हो कि हाँ जो ऑटो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा और कम हो, तो यहाँ पे आपकी बैटरी थोड़ा सा और ज़्यादा जो है खर्च होती है, यानी कि और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन वहाँ पे अगर आप उसको मैन्युअली करते तो शायद हो सकता है कि आपकी बैटरी वहाँ पे ज़रूर बच जाती है। तो ऐसा करने से आपकी जो बैटरी लाइफ है थोड़ा बहुत तो एकदम इंक्रीज होगी ही, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा तरीका निकल के आता है, वो ये आता है कि आपके स्मार्टफोन में आपने चीज़ देखा होगा कि हाँ कभी कभी जो वाईफाई या फिर जो ब्लूटूथ या फिर जो आपका NFC है ये हमारा ऑन ही रह जाता है। अब अगर इसे आप अगर टर्न ऑफ कर दो तो आजकल जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि आपका वाईफाई ब्लूटूथ और जो NFC है, ये सब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम ऑप्टिमाइज किया जा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है आज के डेट में। आप मतलब आज के डेट में ये इतनी ज़्यादा बैटरी नहीं खाती हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आपकी जो बैटरी लाइफ थोड़ा बहुत उसमें इन्हेंस होगा अगर आप इसको ऑल द टाइम ऑन ना रख के अगर आप इसको ऑफ करते हो, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो तीसरा तरीका ये निकल के आता है कि आपने अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स में जाओगे, अब वहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स। वहाँ पे आपको जाने के बाद दिखती हैं चीज़ें कि हाँ आप यहाँ पे अपने मतलब सिंक करके रखा है आपने कि हाँ जैसे आपके जो डेटा है पूरा व्हाट्सएप का वो सिंक हो रहा है, आपका जो जीमेल का डेटा है वो पूरा सिंक हो रहा है, कॉन्टैक्ट सिंक हो रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें दोस्तों हैं वहाँ पे सिंक होती रहती है ऑल द टाइम। अगर आपका नेट ऑन है तो वो सिंक होता ही रहता है क्योंकि आपका जो डेटा है पूरे स्मार्टफोन का वो बैकअप होता है गूगल पे। अब दोस्तों इस चीज़ को अब आप जाके जज करो वहाँ पे कि हाँ किस ऐप का जो डेटा है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को आप जज करो पहले कि जो इंपॉर्टेंट है उससे तो आप टर्न ऑन ही रखो कि हाँ वो सिंक होता रहे, अदरवाइज आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी फ्यूचर में। लेकिन जिस चीज़ को आपको लगता है कि हाँ इसकी मुझे फ्यूचर में ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, उस चीज़ को आप ऑफ कर दो, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत और फ़ायदा, यानी कि थोड़ा बहुत आपको जो बैटरी लाइफ है थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो अगला तरीका निकल के आता है वो तो ये आता है कि आपने अपने स्मार्टफोन्स में, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि हाँ मैं अपने स्मार्टफोन लगाऊँ लाइव वॉलपेपर, खासकर जो आपके आईफोन देखने को मिलता है वो आप अपने डिस्प्ले को अगर प्रेशर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि हाँ वो जो वॉलपेपर है वो मूव करता है। और दोस्तों ये चीज़ें अच्छी हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती चीज़ें, बट दोस्तों यहाँ पे आपकी बैटरी लाइफ भी तो कंज्यूम होती है। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसने अपने स्मार्टफोन लगा रखा है एकदम जहाँ पे वो पेड़ पौधे हिलते रहते हैं, चांद आसमान में चलता रहता है, मूव करता रहता है, आपको बादल हिलते हुए दिखते हैं दोस्तों, बट उससे चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ चीज़ें बहुत ख़राब है, हमें मतलब कोई चीज़ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो यही है, हमारे सबसे फ़ायदा बड़ा वहाँ से यही आता निकल गया कि हमें मज़ा आता है उस चीज़ों से, दिखने में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। बट दोस्तों ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाती है, जो लाइव वॉलपेपर्स है ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है, अगर आप इसे ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो आपके स्मार्टफोन में अगर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोई नाइट मोड, तो उसे आप ज़रूर टर्न ऑन करके रखें, जिससे कि आपको अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कि हमें ये चीज़ मालूम है कि हाँ हमारे स्मार्टफोन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है वो और कुछ नहीं, हमारे स्मार्टफोन का डिस्प्ले होता है। अब दोस्तों लेट सपोज कि आप अपने स्मार्टफोन में कोई भी एक रैंडम ऐप को ओपन करते हो, अब ओपन करते ही आपको सबसे पहले वहाँ पर अगर दिखा दिया 15 या 20-25 सेकंड का कोई ऐड, 30 सेकंड का कोई आपने ऐड वहाँ पर दिखा दिया, तो आप क्या करो वहाँ पर, अब दोस्तों आपको वो पूरा ऐड देखोगे, अब देखने से क्या हुआ दोस्तों 25 या 30 सेकंड की जो आपकी बैटरी लाइफ थी वो बिना मतलब कि वहाँ पर कंज्यूम हुई पूरा, वो दोस्तों आपका 25 से 30 सेकंड जो आपका था उतना देर तो आपका जो आपका डिस्प्ले वो ऑन रहा, इवन जो आपका स्पीकर हो सकता है वो भी किसी केस में वर्क करे, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों ने यहाँ पे अपना बैटरी फालतू का कंज्यूम किया, आपका 25 से 30 सेकंड का जो बैटरी लाइफ था वो बिना मतलब पूरा एकदम वेस्ट ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बैटरी लाइफ
बिना मतलब चली गई। अब इस चीज़ को आप सुधार सकते हो ऐसा है कि दोस्तों अगर आपके लिए वो ऐप काम की है तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, उसी ऐप का आप पेड वर्जन ले लो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से फिर वो ऐड देखने को बिल्कुल भी ना मिले। लेकिन अगर आपको दोस्तों वो जो ऐप है अगर आपको किसी काम के लिए आपने बस ऐसे ही स्मार्टफोन में डाल कर रखा और कभी कभार ओपन करते हो उसको, तो दोस्तों इस चीज़ को आप एकदम मतलब सिक्योरिटी रखें कि हाँ उसे डिलीट करें ताकि दोस्तों आपकी जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब दोस्तों जो एक और चीज़ निकल के आती है वो तो ये आती है कि लेटेस्ट सपोज दोस्तों कि आप अपने स्मार्टफोन में 15, 20, 25, 30 ऐप्स को ओपन कर रहे हुए हैं और वहाँ पे आप अपने मल्टीटास्किंग करे जा रहे हो, लेकिन आपको पता है वहाँ पे कि हाँ जो 5 से 6 एप्लीकेशन है उसे आप अभी एट द इंस्टेंट यूज़ नहीं करने वाले, उसे आप यूज़ करेंगे कल परसों नरसों, ऐसे यूज़ करोगे आप दोस्तों। ऐसे ऐप्स को आप वहाँ से क्लियर करो ताकि जो आपकी स्मार्टफोन में बैटरी लाइफ थोड़ा सा वहाँ पे और बचे, कि दूसरे बैकग्राउंड में जो वो ऐप्स हैं वो बैटरी लाइफ को मतलब बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो बैटरी लाइफ है थोड़ा सा और ज़्यादा बच जाएगी और आपकी जो बैटरी लाइफ थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो दोस्तों बस हमारे आज के बैटरी के मतलब जो सेव करने जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ ही गया तो दोस्तों लाइक बटन उसे खींच के दबाएँ। आने वाले दोस्तों वीडियो को लेकर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।